नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बूढ़ी लड़खड़ाती काया में वो एक जिंदा दिल इंसान थे। महाशय धर्मपाल के यूं अचानक चले जाने पर हिंदुस्तान भावुक है। वे लाखों लोगों की प्रेरणा थे। उन्हें देखकर लोगों में हौसला जागता था कि मेहनत और संकल्प के दम पर हर मंजिल मुमकिन है। उन्होंने एक छोटी सी दुकान को मल्टीनेशनल ब्रांड बना दिया था। उनके यूं चले जाने पर देश कह रहा है अलविदा महाशय। जिंदगी में उन्होंने अनगिनत उतार चढ़ाव देखे, अकल्पनीय तरक्की की, लेकिन दुनिया का दस्तूर है कि यहां से जाना ही पड़ता है। महाशय धर्मपाल भी अचानक दुनिया को छोड़कर चले गए। कोरोना से फाइट करते करते वे अपने दिल से हार गए। महाशय धर्मपाल अब हमारे बीच नहीं है। मसाला किंग के नाम से मशहूर महाशय ने असंभव को संभव करके दिखाया था। देश आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। नहीं रहा एमटीएच का मशहूर चेहरा, महाशय धर्मपाल गुलाटी ने मूंद ली आंखें। देगी मिर्च वाले को याद कर रहा देश। कोरोना को हराया, जिंदगी से हार गए महाशय। अब कौन कहेगा यही है असली इंडिया। शून्य से शिखर की प्रेरक यात्रा का अंत। मसाला किंग की भावुक विदाई। दुनिया के सबसे उम्रदराज पोस्टर बॉय, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए एक सौम्य व्यक्तित्व और जिंदा दिली की शानदार मिसाल, महाशय धर्मपाल आखिर अपने दिल से हार गए और दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। जाने से पहले उन्होंने अपने पीछे एक शानदार और प्रेरणाप्रद कहानी छोड़ी है। फर्श से अर्श की यात्रा करके दिखाई है। उन्होंने साबित किया है कि कामयाबी के लिए लगन, मेहनत, बुद्धिमत्ता, जुनून और हर हाल में खुद को संभाले रखना जरूरी होता है। वरना किसने सोचा था कि जो शख्स चंद पैसों के लिए तांगा चला रहा हो, अपने परिवार के लिए दिन रात करके पाई पाई इकट्ठी कर रहा हो, महाशय धर्मपाल को अपने ब्रांड एमडीएच की वजह से पहचान मिली। उन्होंने अपने प्रोडक्ट के लिए किसी स्टार को एंडोर्स नहीं किया, बल्कि वे खुद अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने। एमडीएच के विज्ञापनों और डिब्बों पर उनकी तस्वीर की वजह से उन्हें पहचान मिली।
एमडीएच मसाला कंपनी का नाम उनके पिता के कारोबार पर आधारित है। उनके पिता महेशियान दी हट्टी के नाम से मसालों का कारोबार करते थे। लोग उन्हें देगी मिर्च वाले के नाम से भी जानते थे। उनकी प्रतिभा देश दुनिया में विख्यात थी। लोग उनके नाम से एमडीएच को जानने लगे थे। उन्हें व्यापार और वाणिज्य के लिए साल 2019 में भारत के दूसरे उच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाशय के निधन पर शोक जताया है। अमित शाह ने महाशय धर्मपाल को श्रद्धांजलि दी। सौम्य व्यक्तित्व के धनी महाशय धर्मपाल जी संघर्ष और परिश्रम के एक अद्भुत प्रतीक थे। अपनी मेहनत से सफलता के शिखर को प्राप्त करने वाले धर्मपाल जी का जीवन हर व्यक्ति को प्रेरित करता है। प्रभु उनकी दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें व उनके परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दें। ओम शांति। महाशय धर्मपाल के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शोक जताया। उन्होंने कहा, भारत के प्रतिष्ठित कारोबारियों में से एक महाशय धर्मपाल जी के निधन से मुझे दुख की अनुभूति हुई। छोटे व्यवसाय से शुरू करने के बावजूद उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। वे सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय थे और अंतिम समय तक सक्रिय रहे। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। रेल मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी उनकी मौत पर दुख जताया। आगे आपको महाशय धर्मपाल का जीवन सफर दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे एक शख्स ने इतना असाधारण सफर तय किया। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। वे पैदा तो पाकिस्तान में हुए थे, लेकिन बंटवारे के रूप में आए जिंदगी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट ने उन्हें मसालों का बादशाह बना दिया। जरा सोचिए कि एक तांगा चलाने वाला कैसे दुनिया का बिजनेसमैन आइकन बना होगा, कितने संघर्ष किए होंगे, लेकिन उनके हौसले के आगे हर चुनौती ने घुटने टेक दिए और महाशय ने हर किचन में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। नब्बे साल से ज्यादा उम्र के बावजूद उनके चेहरे पर उतरी जिंदा दिली दिखाती है कि उनके अंदर कितना जुनून था। जाहिर है कि उनकी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव के दौरान कई मुश्किलें आई होंगी, लेकिन हर मुश्किल को बोनस साबित किया महाशय धनपाल ने। उनका जीवन असाधारण रहा है और इस असाधारण सफर की कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के सियालकोट से। १९२३ में पाकिस्तान के सियालकोट में महाशय धर्मपाल का जन्म हुआ। महाशय चुनीलाल गुलाटी और चन्नन देवी के घर में पैदा हुए। स्कूल की पढ़ाई शुरू की, लेकिन पांचवी का इम्तिहान नहीं दे पाए। १९३३ में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। पिता की मदद से नया कारोबार शुरू करने की कोशिश करने लगे। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा, मैंने पौने पांच क्लास तक ही पढ़ाई की। पिता की मदद से आइनों की दुकान खोली, फिर साबुन और फिर चावल का कारोबार किया। पिता के मसालों के कारोबार में हाथ बटाने लगे। बंटवारे के वक्त धनपाल के माता पिता पाकिस्तान से दिल्ली आ गए। 27 सितंबर 1947 को ये परिवार दिल्ली पहुंचा। उस दौरान उनके पास जो पैसे थे उससे धनपाल ने एक तांगा खरीदा और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुतुब रोड तक करोल बाग से बाड़ा हिंदू राव तक तांगा चलाने लगे। जल्द ही करोल बाग में उन्होंने महेशियान दी हट्टी के नाम से फिर से अपना पुराना मसालों का कारोबार शुरू किया। वो सूखे मसाले खरीदकर उन्हें पीसकर बाजार में बेचते थे, लेकिन करोल बाग की वही महेशियान दी हट्टी आज का एमडीएच बना। यह कारोबार अब दुनिया भर में फैल चुका है। 93 साल पुरानी ये कंपनी अब भारत के साथ साथ यूरोप, जापान, अमेरिका, कनाडा और सऊदी अरब में अपने मसाले बेचती है। कंपनी का कारोबार 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जाता है।
कहा जाता है कि 27 सितंबर 1949 को उनके पास केवल 1500 रुपए थे। इन पैसों से महाशय धर्मपाल गुलाटी ने 650 रुपए में तांगा खरीदा था और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुतुब रोड के बीच तांगा चलाते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने तांगा भाई को दे दिया था और करोलबाग की अजमल खान रोड पर एक छोटी सी दुकान लगाकर मसाले बेचना शुरू किया। मसाले का कारोबार चल निकला और MDH ब्रांड की नींव पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। उनके चेहरे पर हमेशा ही मुस्कुराहट रहती थी और जब वे अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोलते थे, यही है असली इंडिया, तो उनकी मुस्कान लाखों लोगों की मुस्कान बन जाती थी। उन्होंने कामयाबी की बुलंदियां तो छुई, लेकिन उनके पैर हमेशा जमीन पर ही रहे। वे हमेशा सभी से प्यार से पेश आते थे। ये रिपोर्ट देखिए। महाशय धर्मपाल भले ही अरबपति बन गए थे, लेकिन वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे। वे कभी अपने संघर्ष के दिन नहीं भूले और जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहे। उनकी जीवनचर्या भी अनुशासित थी। योग, व्यायाम, यज्ञ उनकी जीवनचर्या का हिस्सा थे। ।2019 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया। व्यापार के साथ ही उन्होंने कई ऐसे काम भी किए जो समाज के लिए मददगार साबित हुए। इनमें अस्पताल बनवाना, स्कूल आदि खुलवाना, ये सब शामिल हैं। उन्होंने अभी तक कई स्कूल और विद्यालय खोले हैं। वे अभी तक 20 से ज्यादा स्कूल खोल चुके हैं और उन्होंने अपनी मां के नाम पर दिल्ली में चन्नन देवी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाया। महाशय धर्मपाल भाजपा नेता सुषमा स्वराज के निधन पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और वहां भावुक हो गए। तब उनकी तस्वीर वायरल हुई थी। महाशय धर्मपाल गुलाटी भाजपा मुख्यालय पहुंचे थे और यहां सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देते वक्त धर्मपाल गुलाटी खुद पर काबू नहीं रख सके और रोने लगे। उनका ये सफर बेहद असाधारण है। महाशय धर्मपाल महज 5वीं पास थे। 5वीं में फेल होने पर पिता ने एक बढ़ई की दुकान पर काम पर लगाया। 2 महीने के बाद धर्मपाल वो काम छोड़कर आ गए। 15 साल की उम्र तक वे 50 काम कर चुके थे। तांगा चलाने से लेकर साबुन तक बेचा। इसके बाद उन्हें मसाले बनाने का ख्याल आया। महाशय धर्मपाल में गजब का आत्मविश्वास था। जब बड़ी बड़ी कंपनियां महंगे महंगे स्टार्स को एंडोर्स कर रही थीं, तो महाशय धर्मपाल ने MDH के विज्ञापन की नायाब पॉलिसी निकाली। धर्मपाल गुलाटी अपने उत्पादों का एड खुद ही करते थे। अक्सर उन्हें TV पर अपने मसालों के बारे में बताते हुए देखा गया। उन्हें दुनिया का सबसे उम्रदराज एड स्टार माना जाता था। वो अपनी कंपनी के CEO थे और 25 करोड़ उनकी सैलरी थी। 90 से ज्यादा उम्र के गुलाटी अपने मसालों का विज्ञापन खुद ही करते थे। उनकी मेहनत का नतीजा था कि दुनिया भर में उनका कारोबार फैला। एक दुकान से मसाले का कारोबार धीरे धीरे बहुत बड़ा हुआ। आज उनकी भारत और दुबई में मसाले की 18 फैक्ट्रियां हैं। इन फैक्ट्रियों में तैयार मसाले दुनिया भर में पहुंचते हैं। उनकी कंपनी के करीब 62 प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी का उत्तर भारत के 80% बाजार पर कब्जे का दावा है।
उन्होंने भले ही किताबी शिक्षा ज्यादा ना ली, लेकिन कारोबार में बड़े बड़े दिग्गज उनका लोहा मानते थे। यूरो मॉनिटर के मुताबिक धर्मपाल गुलाटी एफएमसीजी सेक्टर के सबसे ज्यादा कमाई वाले सीईओ थे। बताया जाता है कि 2018 में 25 करोड़ रुपए उन्हें इन हैंड सैलरी मिलती थी। गुलाटी अपनी सैलरी का करीब 90% हिस्सा दान कर दिया करते थे। वो 20 स्कूल और एक हॉस्पिटल चला रहे थे। कहते हैं कि जब कोई बोर्ड मीटिंग होती थी तो महाशय की लाफ्टर क्लास लगती थी। उनका कर्मचारियों के प्रति रवैया शानदार था। उनकी मेहनत ने उन्हें इतना कामयाब बनाया था। जीवन के आखिरी वक्त तक उनके पास पद्म भूषण जैसा सम्मान भी था और अरबों रुपए की संपत्ति भी। वे नियमित रूप से सुबह 4 बजे उठते थे, रोजाना योगासन किया करते थे। कहा जाता है कि वे पंजाबी बीट्स पर डंबल से कसरत करते थे, फिर फल खाते थे। इसके बाद नेहरू पार्क में सैर करने जाते थे। दिन पराठों के साथ गुजरता था, शाम होते ही दोबारा सैर पर निकलते थे और फिर रात में मलाई और रबड़ी का दौर शुरू होता था। उनकी जिंदादिली इसी से झलकती है कि इतनी उम्र में भी वे कहते थे कि अभी तो मैं जवान हूं। महज 1500 रुपए से शुरू किया गया बिजनेस 2000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। विज्ञापन में आने वाले धर्मपाल दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र के स्टार के रूप में जाने जाते थे। अवार्ड के बाद से सैकड़ों लोगों के गुलदस्ते और कॉल्स आने के बाद उनका कहना था, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई है। ऑफिस में मिलने वालों की लाइनें लगी हुई होती थी। वे कहते थे, मैं कोई और नशा नहीं करता, मुझे प्यार का नशा है। मुझे ये सब बहुत पसंद है जब बच्चे और युवा मुझसे मिलते हैं और मेरे साथ सेल्फी लेते हैं। अवार्ड के बारे में कहते थे, ये आप लोगों का प्यार है, मेरा कुछ नहीं। फिल्म स्टार राज कपूर के साथ उनकी ये तस्वीर बताती है कि महाशय धनपाल को लाइमलाइट में रहना पसंद था। पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति इंडस्ट्रियल एरिया में उनके एमडीएच हाउस की दीवार का एक एक इंच उनके मुस्कान भरे चेहरे से पटा पड़ा है। टीवी विज्ञापनों में उनका आना अचानक ही हुआ, जब विज्ञापन में दुल्हन के पिता की भूमिका निभाने वाले एक्टर मौके पर नहीं पहुंचे। ये बात खुद महाशय धर्मपाल गुलाटी ने बताई। उन्होंने बताया कि जब डायरेक्टर ने कहा कि मैं ही पिता की भूमिका निभा दूं, तो मुझे लगा कि इससे कुछ पैसा बच जाएगा, तो मैंने हामी भर दी। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से गुलाटी एमडीएच के टीवी विज्ञापनों में हमेशा दिखते रहे। इस तरह एक प्रेरणादायक कहानी का अंत हुआ, लेकिन इस प्रेरणा के स्रोत महाशय धर्मपाल ने साबित कर दिया कि दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए शिक्षा हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।